तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हमें पढ़ना है कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या है और इसके साथ रिलेटेड ये तो डेफिनेशन मैंने आरएडी थ्योरी क्लास में बताई थी, और इसके अंदर जितनी भी कीज़ है इनको हम आज इलाबरेट करेंगे, और इनको हम क्या कहते हैं और इनकी फंक्शंस क्या है आज हम वो सारा साथ में पढ़ेंगे। तो एज़ यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि वी हैव अ कीबोर्ड एंड दिस इज़ द नॉर्मल आर यू कैन से द जनरल कीबोर्ड विच इज़ अवेलेबल इन द मार्केट एवरीवेयर। ठीक है, तो ये आपको हर जगह पे मिल जाएगा। तो इसमें अब यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि किन कीज़ को हम क्या बोलते हैं, ये सारी चीज़ें आपको दिख रही होंगी। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले जो है एस्केप की आ रही है, तो दिस कार्ड एस्केप की, ये मैंने कल भी बोला था, और इसका नाम शॉर्टकट में ESC आता है। ठीक, और पहले तो हम जनरल में पढ़ेंगे कि किन कीज़ को क्या बोलते हैं, तो उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो दीज फ्रॉम F1 टू F12 दीज आर नोन एज फंक्शनल कीज़। यहाँ पे लिखा हुआ है फंक्शनल कीज़। ठीक है, अब ये जो एस्केप की है ये स्पेशल कीज़ के अंदर आती है। ये देख लो आप, यहाँ से लेकर यहाँ तक एरो बना हुआ है, समझ आ रही है बात? तो ये स्पेशल की है। साथ में आप देख लो टैब, कैप्स लॉक, शिफ्ट एंड कंट्रोल विथ विंडोज, आल्ट स्पेस बार, आल्ट गियर एंड देन विंडोज, देन टास्क व्यूअर एंड कंट्रोल शिफ्ट एंटर एंड बैक स्पेस विथ होम, इंसर्ट पेज अप, पेज डाउन एंड डिलीट, ये सारी कीज, और साथ में प्रिंट स्क्रीन, स्क्रॉल लॉक एंड पॉज ब्रेक, ये सारी कीज़ विथ दिस एंटर, इन सब को हम बोलते हैं स्पेशल कीज़। क्या बोलते हैं? जो ग्रीन कलर से, ग्रीन है ना ये, जो ग्रीन कलर से हाईलाइट हुई है और जिनके बॉर्डर बने हुए हैं ग्रीन कलर के, ये सारे यहाँ से आप देख रहे हो ना बॉर्डर, ये सारी इनको हम बोलते हैं स्पेशल कीज़। क्या बोलते हैं? वेरी गुड। देन वी हैव द रेड वन, जो रेड है हमारे पास ऊपर, एक रेड है जिनको हम फंक्शनल कीज़ बोलते हैं, और दूसरा रेड है जो ABCD जिसको हम बोलते हैं QWERTY UIOP LKJ HGF DSA ZX CV BN and M, यानी A से लेकर Z तक जितनी भी हमारे पास कीज़ है इनको हम बोलते हैं अल्फ़ाबेटिक कीज़। क्या बोलते हैं? अल्फ़ाबेटिक कीज़। एंड देन वी हैव द नंबर कीज़। आप यहाँ से देख लो, यहाँ से लेकर यहाँ तक 0 तक, ठीक है, और इनके साथ ये वाली चीज़ें भी आती है। कौन सी? यानी ये सिंबल्स, समझ आ रही है? कर्ली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट एंड दिस एट द रेट ऑफ एंड देन हैश देन दिस स्लैश, तो ये सारी चीज़ें, ये लेस देन साइन एंड ग्रेटर देन साइन, ये सारी हैं नंबर कीज़ के साथ, बिकॉज दीज आर द सिम्बॉलिक। अब नंबर तो असल में है 1 to 0, यानी 1 to 9 एंड देन 0, लेकिन इसके साथ ये सिंबल्स भी है, चूंकि आप ऊपर भी देख सकते हो यहाँ पे भी सिंबल्स बनी हुई है। बट आप एक चीज़ का यहाँ पे ख्याल रखोगे, यहाँ पे लिखा है यूरो साइन, यहाँ पे दिख रही है ये ई है ना, तो ये यूरो साइन है। असल में इस जगह पे क्या होता है? एट द रेट ऑफ, समझ आ रही है बात? एट द रेट ऑफ यहाँ पे होता है, बाकी सारा सेम है, यानी इसमें थोड़ी सी डिफरेंस है, 2 के ऊपर होता है एट द रेट ऑफ, और यहाँ पे ये नहीं होता, जो कि आपने कीबोर्ड पे अभी देखा है प्रैक्टिकल में। ठीक, तो देन वी हैव द दिस सेक्शन, यहाँ से लेकर यानी जो रेड सेक्शन है अंदर से, इसको हम बोलते हैं न्यूमेरिक एंड लॉजिकल कीज़। तो न्यूमेरिक कीज़ क्या होती है ये तो पता ही है, 1 to 9 एंड 0 इंक्लूडिंग 0, एंड देन लॉजिकल कीज़। लॉजिकल मीन्स दिस वन स्लैश, यानी दिस इज, इसको क्या हम बोलते हैं? डिवाइड। क्या बोलते हैं इसको? डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, माइनस एंड प्लस, इनको हम बोलते हैं क्या? लॉजिकल कीज़। क्या बोलते हैं? लॉजिकल, यानी ये लॉज करता है ना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, तो इनको बोलते हैं लॉजिकल। तो न्यूमेरिक तो आ गई 1 से लेकर 9 तक विथ 0, और उसके अंदर जो बाकी चीज़ें हैं और डिलीट भी है, यानी डॉट, पॉइंट, फुल, जिसको आप बोलते हैं 1.2, तो इन सबको हम बोलते हैं लॉजिकल। समझ आ रही है? तो ये आ गई सारी समझ। उसके बाद यहाँ पे एक सेक्शन है सेपरेट, 4 एरोज है, अप एरो, डाउन एरो, लेफ्ट एरो एंड राइट एरो, इनको हम बोलते हैं एरो कीज़। क्या बोलते हैं? एरो कीज़। तो यहाँ तक समझ आया? अब मैं इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा, व्हाट आर अल्फाबेटिक कीज़। सबसे पहले हमारे पास आती है अल्फाबेटिक कीज़। क्या आती है? अल्फाबेटिक कीज़, कॉमन। तो व्हाट आर अल्फाबेटिक कीज़? अल्फाबेटिक कीज़ को हम थोड़ा सा डिफाइन करेंगे। द अल्फाबेटिक कीज़ अलॉन्ग विद द रो नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स, दीज कीज़ मैच दोज ऑन टाइपराइटर
द अल्फाबेटिक कीज इंक्लूड ऑल इंग्लिश अल्फाबेट लेटर्स लाइक फ्रॉम ए टू जेड। यानी अल्फाबेटिक कीज वो कीज़ होती हैं जो स्टार्ट होती है ए से जेड तक। बस इनका काम क्या होता है, कैरेक्टर्स को लिखना। क्या लिखना? कैरेक्टर्स को लिखना। यानी कैरेक्टर किनको बोलते हैं? ए से जेड तक, ठीक है। देन वी हैव द न्यूमेरिक कीज, यानी जिनको आप बोलते हैं नंबर, यानी न्यूमेरिक हो गई ये और नंबर कीज हो गई ये, इनमें कोई फ़र्क नहीं है। दीज आर यूज्ड फॉर कैलकुलेशंस, और ये भी आप कैलकुलेशंस के लिए यूज़ कर सकते हो, बट दीज आर स्पेशली डिजाइनड फॉर कैलकुलेशंस। तो ये वाला सेक्शन जो है इसको आप अपने इंग्लिश के भी अंदर यूज़ कर सकते हो। जैसे आप लिखना है लेसन नंबर टू, तो टू आप कहाँ से लिखोगे? यहाँ से। हालांकि आप यहाँ से भी लिख सकते हो, समझ आ रही है बात, बट दिस वन इज़ फॉर, यानी जब आप इंग्लिश लिख रहे होगे तो यू विल यूज़ दिस वन, और जब आपको मैथमेटिक्स में कैलकुलेशंस करनी होगी तो यू विल यूज़ दिस वन। समझ आ रही है बात? अब समझो ये नंबर की क्या होती है। द नंबर की एम्बेडेड ऑन द अल्फाबेटिक की, यानी जो एम्बेड हुई है किसके ऊपर? अल्फाबेटिक की के ऊपर। दीज कीज आर लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ द अल्फाबेटिक कीज, है ना, टॉप इसके ऊपर है ना, वेरी गुड। द नंबर कीज इंक्लूड ऑफ पंक्चुएशन एंड स्पेशल कैरेक्टर कीज सच एज, इसमें ये सारी कीज है, यानी इसमें बहुत सारी कीज होती है किसके साथ? नंबर्स के साथ। जैसे कि यहाँ पे है नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन, एंड देन वी हैव डबल कोट्स, बल्कि यहाँ पे एट द रेट ऑफ है, एंड देन वी हैव द डॉलर, और डॉलर से पहले हमारे पास यहाँ पे जो ये लिखा है ना डबल कोट्स, यहाँ पे हैश है। यानी आप समझो यहाँ पे वन के ऊपर तो नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन है, देन वी हैव द एट द रेट ऑफ, यहाँ पे हमारे पास एट द रेट ऑफ है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, हैश, जो कि आप कीबोर्ड पे देख सकते हो। देन वी हैव द डॉलर, परसेंटेज, अपर कैप यानी एम्बरसेंट, एंड देन मल्टीप्लिकेशन साइन जिसको आप एस्ट्रिक भी बोल सकते हो, एंड देन वी हैव द स्टार्टिंग ये सिंपल ब्रैकेट, यानी सिंपल ब्रैकेट हम बोलते हैं ना स्टार्टिंग ब्रैकेट, तो इसी को बोलते हैं सिंपल ब्रैकेट, स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग, देन वी हैव द अंडरस्कोर, एंड वी हैव द प्लस साइन, और साथ में यहाँ पे इसको हम बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट। क्या बोलते हैं? और यानी इसको बोलते हैं स्टार्टिंग कर्ली ब्रैकेट, और इसको बोलते हैं क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट, ठीक। इसको बोलते हैं स्टार्टिंग स्क्वायर ब्रैकेट, इसको बोलते हैं क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, समझ आ रही है बात। देन इसके नीचे हमारे पास यहाँ पे है यही वाली साइन, यानी यहाँ पे इसके बदले एट द रेट ऑफ है ना, तो ये जो इनको हम बोलते हैं डबल कोट्स। क्या बोलते हैं? डबल कोट्स। और इसके नीचे है, यानी डबल कोट्स यहाँ पे होंगे, और इसके साथ हमारे पास होगा सिंगल कोट। क्या होगा? सिंगल कोट, यानी अगर आप ये सिंपली प्रेस करोगे तो एक ही ये डैश आएगा जो ऊपर आता है ना, कॉमा जिसको आप ऊपर बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, यानी जैसे हमें लिखना है सेंटेंसेस, तो सेंटेंस के बाद ई के बाद एस आता है ना, एक्स्ट्रॉफी एस बोलते हैं ना उसको, तो ये वही है। देन वी हैव, इस साइड में हमारे पास होगा, एक तो होगा सेमीकोलन, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये कॉलन एंड सेमीकोलन। सेमीकोलन और कॉलन में क्या फ़र्क है? कॉलन किसको कहते हैं? जब हमारे पास दो डॉट्स होंगे ना, दो डॉट्स, तो उसको बोलते हैं कॉलन। क्या बोलते हैं? और जब हमारे पास एक डॉट और एक कॉमा होगा तो उसको बोलते हैं सेमीकोलन। क्या बोलते हैं? समझ आ रही है? ये देखो नीचे यहाँ पे एक डॉट है और देन एक कॉमा, इसको बोलेंगे सेमीकोलन, और ऊपर वाले को बोलेंगे कॉलन। तो ये मैंने कल बताया था कि हम इसको कैसे यूज़ करते हैं। अगर हमें नीचे वाली चीज़ लिखनी होनी है, जैसे 1 2 3 लिखना है, तो हम सिंपली ये की प्रेस करेंगे और यहाँ पे ये चीज़ आ जाएगी। लेकिन अगर हमें यहाँ पे डॉलर लिखना है, तो व्हाट वी विल यूज़, हम शिफ्ट प्लस 4 प्रेस करेंगे। तो ये तो मैंने प्रैक्टिकल में भी दिखाया था ना, मैं फिर से दिखा रहा हूँ थोड़ा सा। ये देख लो आप, अगर मुझे यहाँ पे 2 लिखना है, या 3 लिखना है, या 4, चलो 4 को लेते हैं, अगर मुझे 4 लिखना है तो मैं सिंपली 4 प्रेस करूँगा, और यहाँ पे आप देख लो ये 4 आ गया कि नहीं आ गया। लेकिन अब 4 के ऊपर और क्या है? ऊपर डॉलर है ना, तो जब मैं शिफ्ट के साथ 4 को प्रेस करूँगा, आप देखो डॉलर साइन आ रही है कि नहीं आ रही है। तो यही वजह है कि अगर आपको नीचे वाली चीज़ लिखनी है तो आप सिंपली प्रेस करोगे, लेकिन अगर आपको ऊपर वाली चीज़ लिखनी है जो इस बटन के ऊपर है, तो आप शिफ्ट भी प्रेस करोगे इसके साथ। बात आ रही है, समझा नहीं? उसके बाद यहाँ पे देख लो, यहाँ पे 5 के ऊपर क्या है? परसेंट है ना, तो अगर मैं सिंपली प्रेस करता हूँ 5, तो यहाँ पे 5 आ जाता है, लेकिन शिफ्ट के साथ 5 को प्रेस करूँगा तो यहाँ पे 5% बन गया है। बात आ रही है समझ? तो ये चीज़ें समझने की है। देन यहाँ तक तो आ गया, और उसके बाद यहाँ पे है दिस कॉल्ड लेस देन साइन एंड दिस कॉल्ड ग्रेटर देन साइन, और लेस देन और ग्रेटर देन के साथ हमारे पास यहाँ पे लेस देन साइन के साथ कॉमा है। तो अब अगर मुझे कॉमा लिखना है, तो मैं यहाँ पे सिंपली ये वाली की प्रेस करूँगा। कौन सी वाली बेटा? ये लेस देन साइन, ठीक है। और अगर मुझे ऊपर वाला यानी लेस देन साइन चाहिए, देन आई विल यूज़ शिफ्ट प्लस दिस की। तो आ रही है ना ये?
तो इसी तरह अगर मुझे डॉट लिखना है तो मैं सिंपली प्रेस करूँगा डॉट, यानी ये वाली की, ठीक है। और अगर मुझे किसके साथ, यानी अगर मुझे ग्रेटर देन साइन लिखनी है तो देन आई विल शिफ्ट एंड दिस, आई विल प्रेस देम बोथ, तो अब यहाँ पे ये चीज़ आ रही है। सिमिलरली वी हैव द स्लैश, यानी जिसको आप स्लैश ही बोलते हैं, ठीक है, यहाँ फॉरवर्ड स्लैश भी इसको बोलते हैं। तो इसके साथ हमारे पास नोट ऑफ इंट्रोगेशन है, तो इसको अगर लिखना है तो ये वाली साइन आप यूज़ कर सकते हो। बात आ रही है, समझ नहीं? तो ये बहुत सारी कीज़ इसके साथ है, तो इन सबको हम बोलते हैं न्यूमेरिक कीज़ या नंबर कीज़ आप बोल सकते हो। देन वी हैव द एरो कीज़, एरो कीज़ आपको यहाँ पे दिख रही है, ठीक है, मैंने अभी इनको पढ़ाया। तो एरो कीज़ का इनकी फंक्शन क्या होती है, यानी दीज कीज़ आर लोकेटेड टू द राइट ऑफ द अल्फाबेटिक कीज़, यानी अल्फाबेट कीज़ के राइट साइड में ये है ना अल्फाबेट कीज़, तो राइट साइड में है ना ये, तो यहाँ पे ये सेपरेटली मेंशन की हुई है, यानी यहाँ पे दी गई है सेपरेटली। दिस ग्रुप ऑफ कीज़ हैज़ फोर सिमिलर ग्रुप्स ऑफ कीज़, यानी इसके अंदर चार कीज़ होती है एक जैसी, सिमिलर कीज़, यानी एरो कीज़ है ना चारों के चारों। अब इनमें चार टाइप्स के की यानी एरोज हैं। पहला जो है दैट इज कॉल्ड टॉप एरो, क्या बोलते हैं इसको, दिस कॉल्ड राइट एरो, लेफ्ट एरो सॉरी, क्या बोलते हैं, दिस कॉल्ड बॉटम एरो, क्या बोलते हैं, एंड दिस कॉल्ड राइट एरो, क्या बोलते हैं। तो टॉप बॉटम लेफ्ट एंड राइट, समझ आया? तो ये चार कीज है, इनको हम बोलते हैं एरो कीज, ठीक है। देन वी हैव द न्यूमेरिक एंड लॉजिकल, ये वाला साइड न्यूमेरिक एंड लॉजिकल, ये वाली चीज़। तो इसमें क्या है, पहले हम इसको समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहले है नम लॉक, व्हाट इज दिस नम लॉक, इसका नाम ही है नम लॉक, या हम बोल सकते हो नंबर लॉक, क्या बोलते हो, नंबर लॉक, शॉर्टकट में इसको बोलते हैं नम लॉक। अब इससे इसकी फंक्शन क्या होती है, इसकी फंक्शन ये होती है कि जब आप ये प्रेस करोगे ना, तो आप देखो अगर आपने ये प्रेस की और उससे पहले आप यहाँ पे लिख पा रहे थे, जैसे कि मैं 1 2 3 लिख रहा हूँ, 4 5 6 7 8 9, ये मैं किससे लिख रहा हूँ, इस वाले सेक्शन से, बात आ रही है समझ, यानी न्यूमेरिक साइड से लिख रहा हूँ, ये मैंने 9 तक लिखा। अब अगर मैं नम लॉक प्रेस करूँ, ये मैंने नम लॉक, आपने साउंड सुनी, यहाँ पे देख लो साउंड, मैं फिर से साउंड क्रिएट कर रहा हूँ, ये देख लो, सुन रहे हो? तो अब अगर मैंने ये की प्रेस की, कौन सी, नम लॉक, अब देखो आप मैं नंबर नहीं लिख पा रहा हूँ, बस क्या हो रहा है, यहाँ से देखो आप नीचे आ पा रहा हूँ, इससे नीचे, इससे राइट, इससे, ये बन गई अब एरो कीज, क्या बन गई, इसमें ये एरोज है ना, दिख रहे हैं 8 4 6 एंड 2। तो आप देखो, आप जैसे ही मैं 8 प्रेस करूँगा, आप देखो ये ऊपर आ जाएगा, ये देखो मैंने 8 प्रेस किया, ऊपर गया कि नहीं गया। और अब अगर मुझे इसको राइट साइड में लेके जाना है तो मैं 6 प्रेस करूँगा, ये देखो 6, बात आ रही है समझा नहीं। सिमिलरली अगर मुझे इसको नीचे लेके जाना है तो 2 प्रेस करूँगा, अगर लेफ्ट साइड लेके जाना है तो 4 प्रेस करूँगा, ये देखो आप 4 से वापस जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो ये आगे कीज़। अब इनको क्या बोलते हैं, ज़रा इनकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। द न्यूमेरिक कीपैड, इसको हम बोलते हैं न्यूमेरिक कीपैड भी, और एक नाम, ठीक है, विच इज़ लोकेटेड ऑन द एक्सट्रीम राइट साइड ऑफ नियरली ऑल द मॉडर्न कीबोर्ड्स, यानी एक्सट्रीम राइट साइड, व्हाट इज़ एक्सट्रीम, यानी एंड पे, एक्सट्रीम किसको कहते हैं, एंड पे, यानी यहाँ से कीबोर्ड ख़त्म हो जाता है ना, तो इसी को बोलते हैं एक्सट्रीम पॉइंट, यानी राइट साइड का जो एंड है ना, उसी जगह पे ये होता है हर किसी कीबोर्ड पे, जो भी मॉडर्न कीबोर्ड्स है। इट कंटेन्स कीज़ फॉर 10 नंबर्स, इसमें 10 नंबर्स होते हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 विथ 0, तो इनको हम बोलते हैं 0 to 9 कीज़। तो ये 10 कीज़ होती है इसमें टोटल, एज वेल एज द 4 अर्थमेटिक फंक्शंस, इसमें 4 अर्थमेटिक फंक्शंस भी होती है, जैसे कि डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन, या इस तरह पढ़ो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, समझ आ रही है? तो अगर आपको डिवीजन करना है तो यू विल यूज़ दिस साइन, ये वाली चीज़ आप यूज़ करोगे, ठीक, और ये आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हो। सिमिलरली अगर आपको मल्टीप्लीकेशन करना है तो आप स्टार यूज़ करोगे, जिसको आप एस्ट्रिक बोल सकते हो, तो ये एस्ट्रिक आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हो, 8 के ऊपर ये आ जाता है, किसके ऊपर। देन वी हैव द नेक्स्ट वन विच इज़ नोन एज द माइनस, माइनस साइन आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो, अंडरस्कोर के नीचे आती है, ठीक। देन वी हैव द प्लस साइन, ये प्लस साइन आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हो, और इक्वल टू के ऊपर भी आपको यहाँ पे दिख रहा है प्लस साइन, है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे भी आपको मिलेंगी और यहाँ पे भी मिलेंगी। अगर अब ये दोनों साइड से क्यों मिलती हैं, क्योंकि अगर आपने लैपटॉप देखा होगा, जो छोटे टाइप के लैपटॉप, यानी जिनका साइज़ कम होता है, उनमें ये वाला सेक्शन होता ही नहीं है, उनमें
न्यूमेरिक सेक्शन होता ही नहीं है, तो दैट्स वाई दीज कीज आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस सेक्शन। ये इसी सेक्शन में इंक्लूड है कि जिसके पास अब ये वाला सेक्शन नहीं है वो यहाँ से भी इन चीज़ों को इस्तेमाल कर सकता है। बट इन मॉडर्न कीबोर्ड जो कीबोर्ड सेपरेट आता है उसमें ये चीज़ होती है, आपने देखा भी है, ये मेरे सामने भी पड़ा हुआ है, बात आ रही है समझ। तो अब चार इसमें क्या आ गए, लॉजिकल कीज यानी डिवीजन, यानी यहाँ से जाओ प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है समझ आया। तो अब उसके साथ क्या है, द न्यूमेरिक कीपैड कैन आल्सो बी यूज्ड एज ए कर्सर कंट्रोल, इसको हम कर्सर कंट्रोल भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे यहाँ पे जाना है तो मैं इस तरह क्लिक करता हूँ ना, यहाँ पे जाना है तो इस तरह क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे जाना है इस तरह क्लिक कर रहा हूँ, लेकिन आप इन्हीं कीज को इस तरह यूज़ करा, मतलब इनका इनसे ये काम भी ले सकते हो रहा है ना ऊपर नीचे, तो ये इन्हीं कीज से होता है 4, 8, 6 एंड 2 या 2, 4, 8, 6 या 2, 4, 6, 8, समझ आ रही है बात। तो आप इनको ये इनके लिए ये भी यूज़ कर सकते हो। तो नम लॉक समझ आया, नम लॉक से क्या होता है सर मुझे बताओ। यानी इससे ये होता है बेटा कि हमारा जो कीपैड है ये बंद हो जाता है, यानी इसमें कीज़ नहीं, हम उसके बाद नहीं लिख पाते ये 1, 2 कब तक, जब तक हम इसको फिर से प्रेस नहीं करेंगे, ठीक है। इसको लैब में प्रैक्टिकल में टेस्ट करना, यानी इसको करना लैब में ताकि आपको समझ आए कि ये कैसे काम करता है, नम लॉक इसको हम बोलते हैं, ठीक है। देन वी हैव द फंक्शनल कीज़ जो ऊपर आती है फ्रॉम F1 टू F12, इनको हम देखते हैं, इनको फंक्शनल कीज़ क्यों बोलते हैं। द फंक्शनल कीज़ इज़ टिपिकली लोकेटेड अक्रॉस द टॉप ऑफ द कीबोर्ड, यानी जो हमारा कीबोर्ड होता है उसके टॉप में ये आ जाती है, जो कि आप देख पा रहे हो। करंट कीबोर्ड्स हैव 12 फंक्शनल कीज़ फ्रॉम F1 टू F12, यानी जो हमारी करंट ये कीज़ कीबोर्ड है इनके अंदर कितनी कीज़ है, 12 कीज़। आप गिन भी सकते हो, ये 4 है, ये 4 और ये 4, 4 + 4 + 4 इज इक्वल टू 12, है ना, yes, सभी आ रही है। तो अब इनकी फंक्शन को देखते हैं, प्रैक्टिकल में इनकी फंक्शन को देखते हैं, F1 से F12 तक इनकी फंक्शन क्या है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आती है F1, है ना, yes, ये F1। तो F1 का काम क्या होता है, F1 जो की है इसका काम ये होता है कि ये हेल्प मेन्यू को ओपन करती है किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर। जैसे कि आप यहाँ पे आ जाओ, हम फाइल मैनेजर के अंदर आ जाते हैं, किसके अंदर आ जाते हैं बेटा, फाइल मैनेजर के अंदर। यहाँ पे मैं फाइल मैनेजर को ओपन कर देता हूँ, फाइल मैनेजर को मैंने ओपन किया। अब यहाँ पे मैंने कोई भी फाइल को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे जैसे कि मैंने कोई भी चीज़ यहाँ पे सिलेक्ट की, ठीक। अब मैं यहाँ पे F1 प्रेस कर रहा हूँ, आप लोग देख लेना, ये मैंने F1 की प्रेस की। तो जैसे ही मैंने F1 की प्रेस की ना, तो इसने क्या दिखाया मुझे, हेल्प इन फाइल एक्सप्लोरर। यानी हम किस में थे, फाइल मैनेजर में है ना, इसी को बोलते हैं फाइल एक्सप्लोरर भी, यानी जिसको आप फाइल मैनेजर बोलते हैं ना मोबाइल में, उसी को बोलते हैं यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर। तो यहाँ पे मैं फाइल एक्सप्लोरर के अंदर था, मैंने F1 की प्रेस की, तो मैं डायरेक्टली किस में आ गया, एज ब्राउजर के अंदर, और यहाँ पे इसने मुझे बताया हेल्प इन फाइल एक्सप्लोरर। तो यहाँ पे जो भी आपको हेल्प चाहिए तो ये आपको कर देगा। अगर हमें कोई चीज़ नहीं आती है तो वी विल प्रेस F1, तो ये हमें हेल्प करेगा कि आपको वो चीज़ कैसे करनी है। तो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ F1। दूसरी इसकी फंक्शन जो मैंने कल भी बोला था कि ये खासकर BIOS में यूज़ होता है, BIOS सेटिंग्स के लिए। तो अगर आपको BIOS सेटिंग्स में जाना है, जब आप विंडोज़ को ऑन करते हो, यानी कंप्यूटर को आप ऑन करते हो, तो उस वक्त आपको ये की प्रेस करनी होगी। तो कुछ कंप्यूटर्स में इसी के साथ यानी BIOS सेटिंग्स के अंदर हम चले जाते हैं, जबकि बहुत सारे लैपटॉप्स और यानी डेस्कटॉप्स में F2 या F12 की इसके लिए यूज़ होती है, या F11 भी। समझ आ रही है बात, या कल पे टिशु कासन, हाँ आ रही है समझ। तो F1 की जब आप, अगर आपको बूट ऑप्शन में जाना है तो देन यू विल यूज़ द F1 की। आप F1 यूज़ करोगे तो ये आपको बूट मेन्यू में लेके जाएगी, कुछ सिस्टम्स के अंदर, ठीक है, सब में नहीं होता है। पद्य सर आपने इस तरह बोला था तो ये तो हुआ ही नहीं। जब आप सिस्टम को ऑन करोगे ना, उसी टाइम पे आपको ये चीज़ करनी होगी। यहाँ पहले आप एस्केप की प्रेस करना और उसके बाद F1, ठीक है। तो ये उस सेटिंग्स के लिए भी यूज़ होती है। देन वी हैव द F2। F2 की जो है वो किस लिए यूज़ होती है, ज़रा देखते हैं। F2 की जो है ये एक्सेल के अंदर एडिटस एक्टिव सेल को, यानी एक्टिव सेल को ये एडिट ऑप्शन ओपन कर देता है। तो यहाँ पे हम एक्सेल के अंदर आ जाते हैं, ये मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है आप लोगों को जो सीनियर्स हैं। तो यहाँ पे मैं एक्सेल को ओपन कर रहा हूँ। अब देखो आप यहाँ पे देख लो, यहाँ पे मैं कुछ टेक्स्ट लिखूँगा, जैसे कि दिस मैंने लिखा, क्या लिखा मैंने, दिस। अब देखो यहाँ पे मैं आ गया, ये अभी अगर मैं यहाँ पे एडिट करूँ, बेटा समझना बात को समझना, अब अगर मैं यहाँ पे एडिट करना चाहूँ तो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, यहाँ पे होगा क्या,
देखो यहाँ पे मैंने दिस लिखा हुआ है, सिलेक्टेड सेल भी यही है। अब अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखूंगा तो क्या होगा, हम प्रैक्टिकल में देखते हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पे फिर से कुछ लिखूंगा ना, आप देखो बाकी सारा इरेज हो जाता है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? दिस इज टेस्ट, तो यहाँ पे मैंने दिस इज टेस्ट लिखा, सब ने देखा। अब यहाँ पे मैं आ गया वापस, मैंने इसको सिलेक्ट किया, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कुछ भी टेक्स्ट। आप देखो पिछला वाला टेक्स्ट डिलीट हो जाता है कि नहीं होता है? अब इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है। यहाँ पे मैंने लिखा दिस इज टेस्ट लिखा, अब समझो ये मैंने क्लोज किया, अब मैं वापस इसके ऊपर आ गया। अब अगर मैं यहाँ पे F2 प्रेस करूँगा ना, आप देखो होगा क्या, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने 2 प्रेस किया, दिस इज टेस्ट। देखो यहाँ पे मैं आ गया, मुझे F2 प्रेस, ये मैंने F2 प्रेस किया, आप देखो मैं अब कुछ भी लिखूंगा वो इरेज हुआ। तो इट मीन्स दैट कि अगर आपको कंटिन्यू टेक्स्ट लिखना है एक्सेल सेल के अंदर, तो व्हाट यू विल यूज़, यू विल यूज़ F2, तो F2 आपकी सेल को एडिट मोड में ओपन करेगा। एडिट मोड, वो बात आ रही है समझ, एडिट मोड में इसको ओपन करेगा सिलेक्टेड सेल को। और एक चीज़ देख लो, ये हो गया जिसके अंदर हमारे पास टेक्स्ट है। अब यहाँ पे आप मुझे बताओ, यहाँ पे मैंने ये वाली सिलेक्ट की है, कौन सा एड्रेस है इसका, C3 है ना। तो अब यहाँ पे जो ये सेल है, अभी मुझे बताओ इसमें अभी कर्सर है कहीं पे? नहीं है ना, लेकिन जब मैं F2 प्रेस करूंगा, आप देखो यहाँ पे कर्सर आ गया कि नहीं आ गया, और यहाँ पे मैं लिखूंगा दिस इज टेस्ट, बात आ रही है समझ। तो ये एडिटिंग मोड खुद ही इसमें ओपन कर देता है। अब अगर मुझे इससे आगे लिखना है तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा एंड F2 करूंगा एंड दिस इज टेस्टिंग, अब मैं इसको इसके साथ ING ऐड करूंगा, बात आ रही है समझ। तो F2 किस लिए यूज होता है जरा मुझे बताओ आप, यानी ये एक्सेल को, यानी एक्सेल में जो सेल सिलेक्टेड होगी उसको एडिटिंग मोड में ओपन कर देती है, बात आया समझ। देन वी हैव द नेक्स्ट वन, अगर आप अब कंट्रोल प्लस F2 प्रेस कर रहे हो, ये तो होगी खाली F2, दूसरा है कंट्रोल प्लस F2, और इसकी और एक फंक्शन है, मैं पहले वो बता देता हूँ। फाइल मैनेजर के अंदर, फाइल मैनेजर के अंदर अगर आप F2 की प्रेस करते हो, पहले आपको ये सिलेक्ट करना है कोई भी फोल्डर, देन F2 प्रेस करोगे तो ये आपको यहाँ पे इसका नाम यानी रीनेम जिसको आप बोलते हो ना, बेटा समझ आ रही है कुछ, यहाँ ऊपर से ही जा रहा है। यहाँ पे नाम क्या है अभी, रेडमी नोट 8 प्रो, यही मैंने सिलेक्ट किया। चलो कोई और करते हैं, ये है ना वेब, वेब को मैंने सिलेक्ट किया, अब मुझे इसको रीनेम करना है। तो अगर हम अनप्रोफेशनली करेंगे तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, हमें क्या करना होगा, अगर मुझे इसको इसका नाम चेंज करना है, मुझे इसके ऊपर राइट क्लिक करना होगा, फिर यहाँ पे आना पड़ेगा, यहाँ पे मेरे पास रीनेम का ऑप्शन आएगा, जब मैं रीनेम करूँगा तो फिर ये एडिटिंग में आएगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा दिस इज वेब, दिस इज वेब। तो ये मैंने इसका नाम चेंज किया, दिस इज वेब, हो गया इसका नाम चेंज। अब मुझे वापस उसका मतलब मैं बताता हूँ आपको, प्रोफेशनल लोग क्या करते हैं, यानी जो आप लोग हो, आपको आगे से क्या करना है, आपको इस तरह राइट क्लिक करके यहाँ पे नहीं आना है, ठीक है, इसको ढूंढना पड़ता है कि कहाँ पे रीनेम है। आपको अगर इसको रीनेम करना है तो यू विल यू सिलेक्ट इट, ये आगे ना सिलेक्ट ऊपर टिक आ रही ना, इट मीन दैट दिस वन इज सिलेक्टेड, और यहाँ पे F2 प्रेस करोगे और यहाँ पे आप लिखोगे WEB, ये आपने वेब लिखा, हो गया रीनेम कि नहीं हो गया, है ना इजी। अब कौन इजी है, इस तरह राइट क्लिक करना या F2 प्रेस करना, है ना, चलिए बहुत बढ़िया। अब तीसरी फंक्शन जो इसकी है, दैट इज कि कंट्रोल प्लस F2 अगर हम यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस F2, तो ये वर्ड के अंदर प्रिंट मेन्यू हमें ओपन करके देगा। ये मैंने वर्ड ओपन किया, ठीक, अब यहाँ पे मैं लिखूंगा दिस इज टेस्ट, ठीक। तो इसका पहले ये हम डिज़ाइन चेंज कर देते हैं, इसका थीम चेंज कर देते हैं, ये वाला, ठीक है, चलिए इसका साइज बड़ा कर देते हैं। अब मुझे ये प्रिंट निकालना है, क्या करना है, प्रिंट, तो मैं कंट्रोल प्लस F2 प्रेस करूंगा, ये देखो कंट्रोल प्लस F2 आ गया ना प्रिंट मेन्यू, आ गया कि नहीं आ गया। तो प्रिंट मेन्यू अगर आपको ओपन करना है, अगर आप कंट्रोल प्लस P प्रेस करते हो, ये मैं अभी कंट्रोल प्लस P प्रेस करने लगा हूँ, ये मैंने कंट्रोल प्लस P किया तो यहाँ पे भी प्रिंट मेन्यू ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब अगर मुझे यहाँ से करना है तो कंट्रोल प्लस F2 भी मैं कर सकता हूँ और इसी तरह ये भी प्रिंट हो जाएगा, बात आ रही है समझ। कितनी फंक्शन मैंने बोली F2 की, तीन। देन वी हैव द F3, विंडोज़ के अंदर जो है ये सर्च मेन्यू को ओपन कर देता है फाइल मैनेजर के अंदर। देखो अभी मैं फाइल मैनेजर के अंदर हूँ ना, यहाँ पे अभी आप देख रहे हो कुछ हाईलाइट नहीं है ना, हाईलाइट।
अब मैं F3 प्रेस करने लगा हूँ, जैसे ही मैं F3 प्रेस करूँगा आप देखो ये खुद ही ओपन हो जाएगा, वो आ गए ना वहाँ पे। अब मैं देखो बेटा बेटा फिर से दिखा रहा हूँ, मैं अगर कुछ लिखता हूँ तो आप देखो क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है, F सिलेक्ट हुआ यानी फर्स्ट फाइल, क्योंकि मैंने F प्रेस किया। देखो जब मैं R प्रेस करूँगा तो ये कुछ नहीं दिखा रहा है, और कोई की तो अब मैंने S प्रेस किया तो इसने S को सिलेक्ट किया। लेकिन जब मैं F3 प्रेस करूँगा, अब मैं लिखूँगा दिस, तो आप देखो कहाँ पे लिखा मैंने, सर्च बार में। तो इट मीन्स दैट कि F3 जो है फाइल एक्सप्लोरर के अंदर, हम इससे सर्च बार को ओपन कर सकते हैं, या सर्च मेन्यू बोलो आप, सर्च मेन्यू को ओपन कर सकते हैं और उसके अंदर कुछ भी सर्च कर सकते हैं। जैसे कि बेटा आप यहाँ पे देख लो, अगर मुझे इंडेक्स को सर्च करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा INDEX। तो जैसे मैंने इंडेक्स लिखा एंड देन यहाँ पे क्लिक करूँगा, आप देखो यहाँ पे हमारे पास इंडेक्सेस आ जाएंगे, जितने भी नाम के हमारे पास इंडेक्स होंगे वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। समझ आ रही है बात? तो सर्च अगर आपको फाइल एक्सप्लोरर के अंदर कुछ भी करना है तो व्हाट यू विल यूज F3 की, एंड देन आपका सर्च मेन्यू जो है वो ओपन हो जाएगा और उसके अंदर आप कुछ भी लिखोगे, देन इस एरो को या एंटर प्रेस करोगे। जैसे आप यहाँ पे इंडेक्स 2 को आप सर्च कर लो, इंडेक्स 2, खाली इंडेक्स 2 एंड देन प्रेस एंटर, तो यहाँ पे खाली इंडेक्स 2 ही आ जाएगा। कितने हैं हमारे पास इंडेक्सेस, कितने थे, बहुत सारे है ना। तो अब ये समझ आया कैसे करते हैं सर्च, तो ये इसकी F3 की फंक्शन है, ठीक है। देन वी हैव द थर्ड, इसकी तीसरी फंक्शन जो है दैट इज शिफ्ट प्लस F3 अगर हम यूज़ करते हैं तो ये क्या करता है, चेंज द टेक्स्ट फ्रॉम अपर टू लोअर केस। तो इसका काम तो यही था अपर केस से लोअर केस चेंज करना। जैसे अगर हम शिफ्ट प्लस F3 प्रेस करते हैं, अब हो रहा है ना, ये देखो शिफ्ट प्लस F3, दिस इज अपर केस, शिफ्ट प्लस F3 फिर से, तो दिस इज लोअर केस, शिफ्ट प्लस F3 फिर से, तो यहाँ पे ये जो है कैपिटलाइज ईच वर्ड, कैपिटलाइज ईच वर्ड का मतलब क्या होता है, हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। दिस का टी, इज का आई, द का टी एंड टेक्स्ट का टी, ठीक है। उसके बाद फिर से शिफ्ट प्लस F3, तो यहाँ पे फिर से अपर केस आ जाता है। बात आ रही है समझ? चलिए बहुत बढ़िया। तो तीन फंक्शन इसकी भी आ गई। देन वी हैव द F4। F4 जो है इसकी अकेले में कोई फंक्शन नहीं है, लेकिन फाइल एक्सप्लोरर के अंदर एक फंक्शन है इसकी। जैसे कि ये एड्रेस बार को ओपन करता है सिंपली, यानी एड्रेस बार को ये ओपन कर देता है। देखो मैं दिखा देता हूँ, ये मैंने फाइल एक्सप्लोरर को खोला, डी के अंदर आ गया। अब यहाँ पे मैं F4 प्रेस करूँगा, जैसे ही मैंने F4 प्रेस किया तो ये एड्रेस बार इसने ओपन किया कि नहीं किया। अब अगर आपको जाना है ना सी प्रोग्रामिंग फाइल्स टैली, अभी किस में है हम, डी के अंदर है ना, लेकिन अगर आपको यहाँ पे जाना है आप ये कर लो, आप देखो आ गए ना सी प्रोग्राम फाइल्स यहाँ पे। अगर आप वापस वहाँ पे जाना है तो यहाँ पे क्लिक कर लो, पहले तो आप कर लो काम, F4 प्रेस कर लो, आ गए ना F4। अब मुझे जाना है ई के अंदर, तो यहाँ पे ई है तो मैं ई पे क्लिक करूँगा, तो आप देखो ई के अंदर आ गया मैं। बात आ रही है समझ? तो क्या समझे आप इससे कि F4 से हमारा एड्रेस बार ओपन होता है किस में, फाइल एक्सप्लोरर के अंदर, और दूसरी चीज़ ये हमें वहाँ पे लेके जाता है जहाँ पे हमें जाना होगा, वहाँ पे हम एड्रेस सिलेक्ट करेंगे और ये हमें वहाँ पे लेके जाएगा। तो ये है F4 की फंक्शन सेपरेटली, ठीक है। और दूसरी फंक्शन जो इसकी है वो बहुत ही खतरनाक है, वो ये चीज़ है कि ये किसी भी एप्लीकेशन को कट कर देता है, यानी बंद कर देता है। अगर मुझे इस फाइल एक्सप्लोरर को बंद करना है तो व्हाट आई विल यूज़, मैं यहाँ पे क्लोज करूंगा, यानी ये वाली साइन जो है यूज़ करूंगा, यानी इस पर क्लिक करूंगा। लेकिन अगर मुझे वहाँ पे जाने के बगैर ही इसको बंद करना होगा तो मैं Alt प्लस F4 प्रेस करूंगा। ये देखो मैंने Alt प्लस F4 किया, यहाँ पे दिख रहा है आपको कहीं पे फाइल मैनेजर, हो गया ना बंद। अभी यहाँ पे क्या ओपन है, वर्ड है ना, वर्ड, यहाँ पे Alt प्लस F4 कर लो प्रेस, तो ये शट डाउन में आ गया। पहले मुझे यहाँ पे क्लिक करना होगा एंड देन Alt प्लस F4, यहाँ पे डू नॉट सेव कर दो, हो गया वर्ड बंद। इसी के साथ अगर हमें इसको भी एक्सेल को भी बंद करना है तो मैं Alt प्लस F4 करूंगा एंड डू नॉट सेव करूंगा, आप देखो हो गया बंद। तो इट मीन दैट कि इट क्लोजेज एवरी सॉफ्टवेयर, यानी हर किसी सॉफ्टवेयर को ये, यानी किसी भी प्रोग्राम को ये बंद कर देता है। समझ आ रही है बात या नहीं? हाँ, चलिए बहुत बढ़िया। तो ये दो फंक्शंस इसकी हैं, एक तो होगी सिंपल F4 से क्या होता है फाइल मैनेजर के अंदर, यानी फाइल एक्सप्लोरर के अंदर हमारे पास क्या होता है, यानी एड्रेस बार ये ओपन कर देता है किससे, F4 से, सिंपली F4। और अगर हम किसी भी सॉफ्टवेयर यानी किसी भी प्रोग्राम को अगर हमें ओपन कर, ये क्लोज करना है, तो व्हाट विल यूज, Alt प्लस F4। और अगर आप सिंपली डेस्कटॉप पे यहाँ पे क्या करते हो, F4 प्रेस करते हो, क्या करते हो, F4, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ये आपको बताएगा ऑप्शन लैपटॉप को बंद करने का, यानी सिस्टम को ऑफ करना। जैसे Alt प्लस F4 आप यहाँ पे प्रेस कर लो, सॉरी यहाँ पे आप Alt प्लस F4 प्रेस कर लो, मान ही नहीं रहा,
ओ मैं विंडोज प्लस F4 कर रहा हूँ, सॉरी। तो यहाँ पे Alt प्लस F4 आ गया, यहाँ पे दिखा रहा है शट डाउन का ऑप्शन। अगर आप एंटर करोगे या ओके करोगे तो ये सिस्टम बंद हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपको रिस्टार्ट करना है, स्लीप में डाल देना है, साइन आउट करना है, स्विच यूजर करना है, तो ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ये मैं सेपरेटली पढ़ाऊंगा, ये जो ऑप्शन है किससे क्या होता है ये मैं सेपरेटली पढ़ाऊंगा। अभी के लिए हम शॉर्टकट कीज पढ़ रहे हैं, तो इस वक्त हमें ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देन वी हैव द F5। तो F5 का मतलब क्या होता है, हम यहाँ पे आ जाते हैं इसके अंदर। तो F5 का मतलब ये होता है कि F5 जो शॉर्टकट की है ये किसी भी पेज को रिफ्रेश कर देती है। क्या कर देती है? रिफ्रेश। हम क्या करते हैं, हम क्रोम के अंदर आ जाते हैं। क्रोम के अंदर आने के बाद हम यहाँ पे ये वाला अकाउंट जो है लॉगिन कर देते हैं। यहाँ पे मैं कोई भी वेबसाइट ओपन करूँगा, जैसे कि कैडवे। यहाँ पे कैडवे को मैंने ओपन किया, कैडवे.com किया ओपन कि नहीं, यहाँ पे कैडवे आ गया। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये लोड होना स्टार्ट हो जाएगी। हो रही है कि नहीं हो रही है? अब ये आ गया आपके पास, आ गया कि नहीं आ गया थोड़ी सी स्क्रीन, ठीक है। कुछ चीज़ें आ रही है अभी, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इसके लिए आप टेंशन मत लो, ये हो जाएगी लोड। अब मैंने यहाँ पे क्लोज़ किया ना, तो यहाँ पे आपके सामने ये सारी चीज़ें आ गई। अब अगर आप इसको रिफ्रेश करना चाहते हो ना, तो यू विल प्रेस F5। ये मैंने F5 प्रेस किया, आ गया कि नहीं आ गया, यहाँ पे क्लोजिंग वाली साइन एंड यहाँ पे ब्लू कलर का सर्कल घूम रहा है, ये इसको रिफ्रेश कर रहा है। क्या कर रहा है? इसी को हम बोलते हैं रिफ्रेश करना। ये आप यहाँ से भी कर सकते हो, देखो आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो रिफ्रेश हो रही है, और F5 प्रेस करोगे तो F5 से भी रिफ्रेश हो जाएगी। बात आ रही है समझ? चलिए बहुत बढ़िया। देन वी हैव इसका दूसरी फंक्शन, अगर आप कंट्रोल प्लस F5 करते हो तो ये उससे भी क्या करेगी, रिफ्रेश करेगी, और जितने भी आपने चेंजेस की हुई होगी उनको क्या करेगी, रिसेट करेगी। क्या करेगी? रिसेट। समझ आया? तो ये F5 की दूसरी फंक्शन है। और तीसरी फंक्शन जो इसकी है कि ये MS पावर पॉइंट के अंदर क्या करता है, स्लाइड शो को स्टार्ट करता है। तो हम पावर पॉइंट के अंदर आ जाते हैं, ये हमारे पास पावर पॉइंट है, और यहाँ पे हम कोई पुरानी वाली जो है ऑपरेटिंग सिस्टम वाली जो है इसको ओपन कर देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे ही मैं F5 प्रेस करूँगा, क्या करूँगा, प्रेस F5, तो आप देखो ये खुद ही स्टार्ट हो जाएगी प्रेजेंटेशन। हो गई स्टार्ट कि नहीं होगी? होगी स्टार्ट, होगी ना। अब एक एक बार आप क्लिक कर लो तो यहाँ पे एक एक चीज आ जाएगी आपके पास। तो स्टार्टिंग मोड में इसने ओपन किया या नहीं किया? तो दैट इज कॉल्ड कि, यानी इससे क्या होता है, किससे, F5 से, यानी ये प्रेजेंटेशन को MS पावर पॉइंट के अंदर स्टार्टिंग मोड में ओपन कर देती है। किसको? प्रेजेंटेशन को। बात आई समझ? तो यहाँ पे मैं Alt प्लस F4 प्रेस कर रहा हूँ और देखो आप क्लोज हो गया कि नहीं हो गया। समझ आया? देन वी हैव द F6। F6 की खुद से कोई फंक्शन नहीं है सेपरेटली, बट इसकी फंक्शन है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F6 के साथ, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F6। तो इसकी फंक्शन ये बनती है कि ये क्या करता है, ये यानी दो डॉक्यूमेंट्स के दरमियान स्विचिंग करता है। क्या करता है? स्विचिंग। F6 से यही स्विचिंग हो रही है, ये दो चीज़ें कर रहा है। एक तो देखो, जैसे कि मैंने ये वाली सिलेक्ट कर दी, अब F6 प्रेस कर रहा हूँ, तो आप देखो ये कहाँ पे पहुँचा, सर्च पे। तो ये सर्च बॉक्स जो है ओपन कर देता है आपका, किस में, शाबाश, फाइल एक्सप्लोरर के अंदर, किस से, F6 से। तो इसका दूसरा काम जो है, नेविगेट्स बिटवीन डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द विंडोज एक्सप्लोरर विंडोज, यानी ये डिफरेंट सेक्शंस को ओपन कर देता है। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, अब मैं F6 प्रेस करने लगा हूँ, आप देखो नीचे क्या हो रहा है, पहले किस में था, इसमें, अब सर्च में आ गया। अब F6 फिर से प्रेस कर रहा हूँ तो कॉर्टेना में आ गया, यहाँ पे, यहाँ पे, और लास्ट वाला, यानी जो भी आपके पास मेन चीज़ें हैं टास्क बार के अंदर, इनको ये स्विचिंग कर देता है, ये स्विचिंग जो मैंने पहले बोला था। आप देखो F6 वापस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो घूम रहा है F6 से। अब अगर मैं विंडोज़ की प्रेस करूँ एंड देन F6, तो इससे नहीं हो रहा है, बट आप इस पर कर सकते हो, ठीक है। फाइल मैनेजर के अंदर भी ये आ जाएगा, देखो आ गया ना। अब आप एंटर करोगे तो ये फाइल मैनेजर को ओपन करेगा। तो F6 से क्या पता चला हमें कि ये यानी स्विचिंग करता है ना एप्स के अंदर टास्क बार में, ठीक है। तो देन वी हैव द F7। F7 इज मेनली यूज्ड टू स्पेल चेक एंड ग्रामर चेक ए डॉक्यूमेंट इन MS आउटलुक। वर्ड और आउटलुक के अंदर अगर आपको ग्रामर चेक करना होगा या स्पेलिंग चेक करनी होगी तो यू विल यूज़ F7। तो यहाँ पे वर्ड के अंदर आ जाते हैं, मैं कुछ टेक्स्ट लिखूँगा जो कि गलत होगा। दिस इज द टेक्स्ट,
TEXXT, ये मैंने गलत लिखा जानबूझ के, क्योंकि मुझे चेक करना है ना इसको। अब मैं यहाँ, ये खुद ही इसने चेक किया, ठीक है ये मैंने लिखा, अब आ गया ना एरर इसके नीचे। अब हम F7 प्रेस करेंगे, ये मैंने F7 प्रेस किया, आप देखो यहाँ पे क्या आया, ये हाईलाइट हुआ और यहाँ पे बोल रहा है स्पेलिंग दिस इज टेक्स्ट, ये गलत है, नॉट इन डिक्शनरी, ये डिक्शनरी में नहीं है, और सजेशन में बता रहा है मुझे कि यहाँ पे टेक्स्ट होगा, TEXT है, तो आप इसको सिलेक्ट करो तो यहाँ पे खुद ही ये ठीक कर देगा, बात आ रही है समझ। SENET TENCE, ये मैंने फिर से एक गलत वर्ड लिखा, ठीक है ये मैंने गलत लिखा। अब मैं F7 प्रेस करूंगा तो यहाँ पे ये बता रहा है कि ये गलत है, नॉट इन डिक्शनरी स्पेलिंग एंड ये गलत है, और नीचे मुझे सजेशंस दे रहा है, ये शायद सेंटेंस है या सेंटेंसड है या सेंटेंसेस है, तो जो आपके आपका असली वर्ड है वो आप सिलेक्ट कर लो, और यहाँ पे आ गया सेंटेंस, बात आ रही है समझ। तो ये है इसकी फंक्शन F7 की। दूसरी इसकी फंक्शन है कि दिस की यूजेस फॉर व्यूइंग द हिस्ट्री ऑफ ऑल द कमांड्स एंटर्ड इन द विंडोज़, तो विंडोज़ के अंदर जितने भी आपने कमांड्स यूज़ किए हुए होंगे उनकी हिस्ट्री दिखा देता है हमारा F7। तो अब अगर हम यहाँ पे आ जाते हैं और F7 प्रेस कर देते हैं तो यहाँ पे तो नहीं दिखा रहा है, जैसे डेस्कटॉप पे आ जाते हैं एक बारी और यहाँ पे F7 प्रेस करते हैं, यहाँ पे भी नहीं दिखा रहा है, और तीसरी चीज़ यहाँ पे आ जाते हैं और F7 प्रेस करते हैं, यहाँ पे भी नहीं दिखा रहा है, तो ये फंक्शन नहीं चल रही है, ठीक है। तो इसका इसकी वही फंक्शन है कि यानी वर्ड के अंदर ये ग्रामर एंड स्पेलिंग चेक कर देता है। देन वी हैव द F8 का मतलब होता है F8 इज यूज्ड टू एंटर द विंडोज स्टार्टअप मेन्यू दैट इज कॉमनली यूज्ड टू एक्सेस विंडोज सेफ मोड, अगर आपको सेफ मोड वगैरह में जाना होगा तो देन यू विल यूज द F8 की। तो ये आप शॉर्टकट उसमें भी यूज कर सकते हो, कि इसमें बयास वाली सेटिंग्स में, वहां पे इसकी फंक्शन है, कहां पे बायोस सेटिंग्स में, और वहां पे ये आपको सेफ मोड में लेके जाए, समझ आ रही है बात।